नमस्कार, बिहारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निशा ओझा है। ये कोई यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि बिहार का एक सरकारी स्कूल है। बिहार के सरकारी स्कूलों की जब भी बात आती है तो लोगों के दिमाग में पहली तस्वीर उभरती है टूटे फूटे भवन, लचर व्यवस्था और स्कूल के शिक्षकों की लापरवाही। लेकिन बिहार के रोहतास जिले का एक ऐसा सरकारी स्कूल जिसकी खूबसूरती और सुविधा देखकर आप ये कह नहीं पाएंगे कि ये बिहार का सरकारी स्कूल है, जिसकी सुविधाओं को देखकर आप एक पल के लिए चौंक जाएंगे। इस सरकारी स्कूल का कैंपस इतना बड़ा है कि ये बड़े बड़े नामी विश्वविद्यालय और कॉलेज कैंपसों को मात देता है। स्कूल के कैंपस में प्रवेश करने पर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी नामी विश्वविद्यालय या फिर राजधानी पटना के किसी बड़े प्राइवेट स्कूल के परिसर में प्रवेश कर रहे हैं। स्थानीय लोगों की माने तो स्कूल में एक भी संस्कृत के शिक्षक नहीं है, लेकिन बावजूद इसके स्कूल के बच्चे गीता और वेदों का अध्ययन करते हैं। बच्चों को गीता का पाठ पढ़ाया जाता है और वेदों का अध्ययन करते देखकर आपको लगेगा कि आप महाभारत या रामायण काल में हैं। बता दें कि ये स्कूल रोहतास जिले के तिलौथू प्रखंड में पड़ता है। आजकल ये विद्यालय अपनी खूबसूरती के लिए सोशल मीडिया पर चर्चे में बना हुआ है। लोग इस स्कूल को देखकर इसकी खूब तारीफ कर रहे हैं। तिलौथू प्रखंड में स्थित इस विद्यालय की स्थापना आज़ादी से पहले हुई थी, यानी कि सन 1932 में इस स्कूल की नींव रखी गई। आज ये विद्यालय लगभग 90 साल का हो चुका है, लेकिन आज भी इस स्कूल के भवन को देखकर आप कहेंगे जैसे इसे नया नया बनाया गया है। आज भी स्कूल का भवन अपनी खूबसूरती से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। स्कूल के प्रिंसिपल की माने तो उन्होंने कहा है कि ऐसा सबके सहयोग से संभव हो पाया है। आने वाले कुछ महीनों में इस विद्यालय में स्विमिंग पूल भी बनाया जाएगा, जहां बच्चों को तैराकी सिखाया जाएगा। जिला मुख्यालय से दूर नक्सल प्रभावित इलाके में होने के बावजूद भी इस स्कूल को देखते ही लोग कहते हैं मानो ये कोई प्राइवेट स्कूल है जिस पर खूब पैसा खर्च किया गया हो। स्थानीय बुजुर्ग बताते हैं कि ये स्कूल देखने में जितना खूबसूरत है, इसका इतिहास भी उतना ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसका ऐतिहासिक विरासत उतना ही ज़्यादा सबल है। बता दें कि कैमूर के पहाड़ी के तलहटी में नक्सल प्रभावित इलाके में होने के बावजूद भी इस विद्यालय में कभी अंग्रेजी की कचहरी भी लगा करती थी। वहीं शिक्षा की बात करें तो वर्तमान में इस विद्यालय में लगभग 2500 बच्चे पढ़ते हैं। और खास बात ये कि स्कूल में जब सरकार के द्वारा संस्कृत के शिक्षक नहीं थे तो स्कूल में शिक्षकों ने अपने खर्च पर एक शिक्षक रख लिया जो वैदिक शिक्षा का ज्ञान देते हैं। खास बात ये कि स्कूल में शिक्षक और छात्र संसाधन का रोना नहीं रोते। ये बताते हैं कि शिक्षक और छात्रों की अगर इच्छा हो तो कुछ भी सीमित संसाधन में बेहतर हो सकता है।